बातचीतों में शामिल किया था। राज्य बाग में एक जनवरी को सत्र पर एक सेमिनार का इंतजाम, जहां तक पहुंचे कानून तो सब कुछ मौजूद है, उस पर हमें दरामद नहीं होता। सिंध जिस तरह पुलिस स्टेट है, मजदूरों के साथ मिल मालकान क्या करते हैं, जुल्म ज्यादती वहां होती है जहां पर कानून पर अमल दरामद नहीं होता। और बहुत सारी बातें इसमें आई है कि तादाद कम होने की बजाय बढ़ रही है, और 8-10 एरियाज में इसमें फिशरीज है, जिसमें आपका क्रिमिनल वॉल्टर्स हैं, एग्रीकल्चर के लोग हैं, माइंस के भी लोग काम कर रहे हैं। आज आसन में दस बारह मिनट के क्रिमिनल वॉल्टर्स में फिक्स रोड के नाम से छोटी सी ऑपरेशन भी है, इनके हालात क्या है, कैसे लोग कह रहे हैं, तो क्या ठीक था कि हम सबको मिलकर कुछ करना है, जिसमें वकला का जुडिशरी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो हम खुश है करने के लिए आपके पास आए, मौसम ठीक है, बट्टा क्यों मानते? और यार बट्टा मालिक ने मजदूरों की आपस में अन बन सी, बट्टे मालिक ने बेचारे कुछ मजदूरों को गिरफ्तार करवा दिए। जिस तरह पंजाब में, सिंध में या पूरे पाकिस्तान में जिस तरह जरूर गुजरती जागीरदारों की, विडेरों की, फिर मालकान की, गुंडा मालकान की, चोरी के कारखाने बहुत सारे जिस जगह ज्यादा होती है, और पालकान के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। डॉक्टर अली कदरबार साहब को मैं दावा देता हूँ, आए जमीन मुशक्कत से हमें प्रस्तुत करें। खिलाफ डॉक्टर अली कदरबार बॉन्डेड लेबर शुड कम शैल कम टू एन एंड एंड इट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि इस कानून के तहत बॉन्डेड लेबर का खात्मा हो जाना चाहिए। इस कानून का मकसद ये था कि आप जहां पे भी लोग किसी पेशगी के जरिए, किसी एडवांस के जरिए, किसी और कंस्ट्रेंट के जरिए, किसी रस्म या किसी रिवाज के जरिए अगर लोग किसी जगह पे मजबूर हैं एंड आर रिस्ट्रिक्टेड एंड कन्फाइंड टू वर्क विदाउट देयर विल, तो वो एक बॉन्डेड में है, तो उनकी रिहाई इट्स अबाउट टू बी एट लिबर्टी एंड टू बी एट विल टू डू द वर्क वेयर यू वॉन्ट टू। कानून तो आ गया, क्या वॉन्टेड लेवल खत्म हो चुकी है? आई वुड एस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू रिस्पेक्टेड मेंबर्स, आप मुझे ये बताएं कि क्या आप लोग अभी भी ऐसी प्रोविजन नहीं करते जहां से इनकी लिबर्टी की दरखास्त होती है? क्या हमने आज तक कोई ऐसी रिपोर्ट देखी कि किसी ड्यूली ऑथराइज मैजिस्ट्रेट साहब ने या इवन डिस्ट्रिक्ट जज साहबान ने आज खुद कोई ऐसा केस किया हो जहां पे डेटिन्यूज फ्री हुए हो? क्या ये रियासत के खिलाफ एक जुर्म नहीं है? ये ऐसी प्रैक्टिस जिसके बारे में कहा गया कि इट शुड कम टू एन एंड, इट इज स्टिल ऑन, द नंबर्स हैव इंक्रीज। यू जस्ट सेड के लिस्ट बननी चाहिए उन जजमेंट्स की जो इन केसेस में पिछले 2-3 साल में आई हैं, एंड आई पर्सनली नो ऑफ अ लॉट ऑफ केसेस एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जिसमें उनको रिहा करने के अलावा और कुछ नहीं किया गया उसमें। तो व्हाट डू यू प्रपोज एग्जैक्टली, तो व्हाट डू यू प्रपोज वी शुड डू अबाउट द जजेस जिन्होंने इस तरह की रूलिंग्स दी हैं? दिस इज व्हाट यू कैन डू अदरवाइज आल्सो, व्हाई डू यू डू इट अंडर दिस एक्ट? The Act says that if the practice should come to an end, it shall. And shall, to my interpretation or anybody's interpretation, is a mandatory requirement. The government ko nahi action le rahi, international law ko nahi is pe implicate kara raha hai cheez. Kai cases hamare samne aaye hain jo guzar gaye hain, abhi bhi aa rahe hain, lekin koi implication, koi change nahi hai abhi tak. Ye jo bonded level ke hamare se aap yahan takleef kar rahe hain, is takleef ka उस जगह पर काम है जहां बॉन्डेड लेबर हो रही हो, जहां ये जुल्म हो रहा हो,
जहां ये मसला हो रहा हो इसमें तकलीफ करने से मसला नहीं होगा। आप जो बात करें ना ऑन स्पॉट, देर आर सेवरल एफर्ट्स दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज डन टू डू ऑन स्पॉट, वहां जाके लोग जहां पे लोग ये मौजूद हैं उनके साथ उनके पास जाके ये बात को पहुंचाया जाए। बट द रीजन दैट वाई वी आर हियर, जो हम यहाँ आज आए हैं उसका रीजन सिर्फ ये है कि टू टॉक टू अ डिस्टिंग्विश्ड सेट कम्युनिटी जो इस काम में मसरूफ हैं, टू सीक देयर हेल्प एंड टू गेट टू अ पोजिशन वेयर वी कैन वर्क टूवर्ड्स दैट दिस लॉ कम्स टू एन एंड। और आपको आपको पता होगा कि ईरान में भी जो है ना बॉन्डेड लेबर, हमारे पाकिस्तानी ईरान में भी जो है ना जबरी मशक्कत करते हैं। और आखिरी सवाल ये कि 1992 का ये जो हमारा एक्ट बना है और ये ILO के कन्वेंशन जो हमने रेटिफाई किए उसके नतीजे बनाए, लेकिन मेन मसला ये कि अभी भी हमारे यहाँ वर्कर को कारकुन को आज भी जो है ना अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है। अगर अपॉइंटमेंट लेटर जिसके पास है उसको तो सोशल सिक्योरिटी का कार्ड बन जाता है, UOB का कार्ड बन जाता है, वो ग्रुप इंश्योरेंस का भी हकदार है। देखिए कि नेशनल जुडिशियल पॉलिसी में कोई लेबर पॉलिसी का जिक्र नहीं है, रेंट का है, सिविल का है, क्रिमिनल का है, लेकिन लेबर जुडिशरी के बारे में सिर्फ एक जुमला है कि 60 दिन में तमाम लेबर केसेस को जो है ना सॉल्व किया जाएगा। हालांकि इस पर लेबर जुडिशरी के बारे में भी पॉलिसी होनी चाहिए, ये अभी तक नहीं आई, इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। हमारे मुल्क में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कि जहाँ पे भी बंदा जाता है वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री लॉ की है कि मिनिमम वेजेस कितनी होगी जी, लेकिन हमारे मुल्क में मिनिमम वेजेस की इम्प्लीमेंटेशन में बैंक के कंट्रीज में यूरोप के कंट्रीज में हर जगह पे मिनिमम वेजेस फिक्स है बाय द गवर्नमेंट और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होती है। आपकी जो बात है वो बिल्कुल ठीक है, कैटेगरी दैट शुड बी कंसिडर्ड, बट इनकी तो और महबूसी। इस सेमिनार कराने का मकसद, अवेयरनेस देने का मकसद यही था कि हम लोग स्ट्रगल करते रहे और हमने इस प्रोग्राम लेक्चर्स पे तवज्जो नहीं दी। हमारा बुनियादी काम था कि हम सेमिनार्स और लेक्चर्स के जरिए अपने मेम्बरान को अवेयरनेस देते और उसके बाद जो जुल्म ज्यादती इस माशरे का हिस्सा है, रूल ऑफ लॉ, जस्टिस फॉर ऑल के लिए जो स्ट्रगल की है उसमें एक हमारा नुमाया किरदार होता। मैं वेलकम करता हूँ क्वांटम लेबर क्या है कि गरीब के क्या मसाइल है। बहुत सारे दोस्तों को याद होगा कि जब चीफ साहब ने 2005 में फर्स्ट टाइम चीफ बने थे, प्रेस में उनकी स्टेटमेंट आई थी कि इंसाफ सबके लिए होता है, खासकर गरीब को इंसाफ मिलेगा। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि जब ये हमारा लॉ की इस्तेदाद होगी, प्रेर होगी कि ये क्वांटम लेबर लॉ जो है इसका जो एक्ट है 92 उसकी ब्ला सेक्शन के तहत इस बंदे को फाइन भी होना चाहिए और ये प्रोसिक्यूट होना चाहिए, जो इंप्रिजनमेंट उसमें लिखी गई है वो उसके मुताबिक उसको डील किया जाए। ये लोग तो हमारे हेल्पर हैं, हमें असिस्ट कर रहे हैं NGO वाले के जनाब, ये काम भी है इसमें करने वाले हैं, तो ये हम पे जिम्मेदारी आती है कि हम अपनी पिटिशन के जरिए जिस जगह हम उसकी सेक्टर लिबर्टी की बात करते हैं उसकी पनिशमेंट की बात करें, उसके फाइन की बात करें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें। वो अपना केस क्लीन कर रहा होता है तो जो साथी दोस्त बैठे हैं कोर्ट में, अगर वो ये कह दें जैसे कि ये काम जो है एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन आपकी जिम्मेदारी है, पिटीशन आपके पास है, ये बंदा तो बात का बात कर रहा है, ये दुरुस्त बात कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि इंस्पेक्टर उसमें जरूर आटक होगा। आप सबको जो हमने वादा किया था, जो ट्रेनिंग चलाई थी सिर्फ जजों की नौकरी बचाने की उम्मीद थी, सिर्फ जजों को बहाल कराने की उम्मीद थी, जस्टिस फॉर ऑल के लिए थी, इंसाफ सबको मिले, उस काम के लिए हमको दोबारा एक नई जद्दोजहद नए हौसले के साथ हमें काम करना होगा।